बात करते हैं भारतीय साहित्य जगत के एक ऐसे महान लेखक के बारे में जिनकी कहानियां पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जिन्होंने अपनी रचनाओं में लोक भाषा को साहित्य की भाषा बना दिया। जी हाँ, फिर चाहे वो गबन, गोदान, पुस की रात या फिर बूढ़ी काकी, इन सभी रचनाओं में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ही सादगी से उकेरा गया है। बिल्कुल, और यही कारण है कि आज भी उनकी कहानियाँ समाज के सभी वर्गों में उतनी ही लोकप्रिय हैं। जी हाँ, और आज उनकी पुण्यतिथि है, हम सभी मिलकर जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साहित्य में बहुमूल्य योगदान को याद करते हैं। कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य का पर्याय बन चुका है। गांव, किसान, गरीब और समाज की सच्ची तस्वीरें अपनी कहानियों में उकेरने वाले प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माना जाता है। 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी और गोरखपुर में हुई। प्रेमचंद ने अपने कठिन जीवन को अपने लेखन में उतारते हुए समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में की और पहले उन्हें नवाब राय के नाम से जाना जाता था। बाद में जब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया तो वे मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां समाज के आम आदमी की आवाज थी। उनकी रचनाओं में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों की पीड़ा को जगह मिली। गोदान उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना एक किसान की संघर्षमय जीवन की मार्मिक कथा है। कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह जैसी कहानियां आज भी हमारे समाज की सच्चाइयों को उजागर करती है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सजीव और प्रभावशाली थी। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लेखन किया और दोनों ही भाषाओं में उनकी गहरी पकड़ थी। उनकी कहानियों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग था जिसने उन्हें पाठकों के दिलों तक पहुंचाया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने साहित्य में शोषण, जातिवाद और सामंती व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उनके लेखन ने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। मुंशी प्रेमचंद के युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक का है। प्रेमचंद एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 8 अक्टूबर 1936 को कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानियां, उपन्यास और लेख हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और उनके साहित्य में वो ताकत है जो हमें सोचने, बदलने और बेहतर समाज बनाने की दिशा में प्रेरित करती है।